जय माई महाराज की। माँ के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। माँ के भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ बगलामुखी के बीज मंत्र के बारे में। कई जगहों पर माँ बगलामुखी के सर्व कामना पूर्ति बीज मंत्र को अशुद्ध रूप से लिखा पाया जाता है, और अगर कोई अशुद्ध मंत्र का उच्चारण या जप करता है तो उसे कोई बड़ी हानि भी हो सकती है। मंत्र के जानकार कहते हैं कि वही यदि इस मंत्र का सही उच्चारण किया जाए तो माँ बगलामुखी का यह बीज मंत्र साधक की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। इस मंत्र के शुद्ध और भावपूर्ण उच्चारण से शत्रु को शांत किया जा सकता है, मुकदमा भी जीत सकते हैं, आधी दैविक और आधी भौतिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कोई बेकसूर व्यक्ति जेल में है या जेल जाने के आसार हैं तो इस मंत्र की साधना से 100% बच सकता है। भूत प्रेत और जादू टोना की बाधा से रक्षा होती है, सारे डर खत्म हो जाते हैं, धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस साधना से कोई भी अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं वो शुद्ध बगलामुखी बीज मंत्र। ओम हरिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभया जीवाहाम कील्य बुद्धिम विनाशाय हरिम ओम स्वाहा। बगलामुखी मंत्र के प्रारंभ में हरिम या हलिम दोनों में से किसी भी बीज का प्रयोग किया जा सकता है। रिम तब लगाए जब आपका धन किसी शत्रु ने हड़प लिया है, और हलिम का प्रयोग शत्रु को पूरी तरह से परास्त करने के लिए ही करें। इससे शत्रु को वश में करने की अद्भुत शक्ति मिलती है, लेकिन यह सब एक दो दिन में नहीं होगा, बल्कि इसके लिए संकल्प लेकर कम से कम 40 दिन का विशेष अनुष्ठान करने का नियम है। बिना नियमों की जानकारी साधना को नहीं करना चाहिए, अन्यथा समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। माँ बगलामुखी अपने भक्त से श्रद्धा और विश्वास चाहती हैं। यदि आपको पूरी श्रद्धा है और नियम के साथ साधना करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर कोई शत्रु अत्यंत शक्तिशाली हो तो ऐसी अवस्था में यदि माँ बगलामुखी के इस मंत्र के अनुसार शुद्धता पूर्वक उच्चारण कर जप किया जाए तो शत्रु से तुरंत सुरक्षा मिलती है। वे मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी अमुक दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभया स्तंभया जीवाहाम किल्य किल्य बुद्धिम विनाशाय हलीम ओम स्वाहा। इस मंत्र में अमुक शब्द के स्थान पर शत्रु का नाम लेकर कम से कम 1100 बार एक दिन में जप करें। ऐसा करने से माँ बगलामुखी साधक की रक्षा करेंगी, एवं साधक का शत्रु या तो किसी मुसीबत में फंस जाएगा या फिर कोई भारी गलती करके स्वयं ही फंस जाएगा। संपुट मंत्र की शक्ति को दोगुना करने के लिए किया जाता है। किसी भी मंत्र की शक्ति को संपुट द्वारा बढ़ने के लिए साधक को पहले बिना संपुट से निश्चित संख्या में जप करना चाहिए, उसके बाद ही संपुट लगाया जा सकता है। मंत्र के आदि में और अंत में बीज लगाने से मंत्र संपुट युक्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इस बीज मंत्र से आप अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय माई महाराज की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल टेक आपके लिए लाते रहे।